हर किसी के जीवन में उद्देश्य का होना जरूरी है। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो शायद आप पा नहीं सकते अगर लाइफ में कोई पर्पोज ना हो तो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अपने लाइफ के पर्पोज को कैसे ढूंढा जाए, जीने का कारण जो है उसको आप कैसे ढूंढ सकते हैं, अपने उद्देश्य को आप कैसे ढूंढ सकते हैं वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच, आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, इकिगाई जापानीज एक सिद्धांत जो जीवन के उद्देश्य को खोजने में हेल्प करता है। जापान के लोग इस सिद्धांत का बार बार इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जीवन में अगर कोई उद्देश्य ना हो तो जीने का क्या मतलब, जीने के लिए अगर कोई कारण ना हो तो जीने का क्या मतलब। जानवर भी सुबह उठता है, खाता है, फिर टट्टी करता है, फिर सो जाता है। तो हम अगर जीवन में उद्देश्य नहीं ढूंढेंगे तो हम जानवर की तरह बन जाएंगे। जीवन में अगर हमारा जीने का कोई कारण अगर नहीं हुआ तो हम जानवरों की तरह जिएंगे। इस मनुष्य जीवन को पाने का क्या मकसद हुआ, क्या मतलब हुआ बोल के वो लोग ऐसा सोचते हैं और इकिगाई को अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। 90-95% लोग, जिन लोगों को अपने लाइफ के पर्पोज के बारे में पता नहीं चलता, वो सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं और घर का खर्चा ही चला पाते हैं। ओनली 5% पीपल, उन लोगों को ही पता है जीवन का उद्देश्य, द पर्पोज ऑफ देयर लाइफ। इकिगाई के मदद से आप अपने लाइफ का पर्पोज को आप ढूंढ सकते हैं और आप उन 5% लोगों में आप भी पहुंच सकते हैं। चार बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने लाइफ में इकिगाई को आप ढूंढ सकते हैं। पहला, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हैं। दूसरा, आप किस काम में माहिर है, कुशल है। तीसरा, लोगों को क्या चाहिए। और चौथा, किस काम के लिए आपको भुगतान मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। ये चार चीज अगर आप लाइफ में क्लियर कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में पर्पोज ऑफ लाइफ उसको आप ढूंढ सकते हैं। इन चार सवालों का जवाब अगर आप ढूंढ लेते हैं तो। सैकड़ों लोग गाना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं, ये पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं। आपको भी कोई चीज ऐसा पसंद होगा, लेकिन दिक्कत यह है आप अपने पसंद के काम को आप रोजगार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस पसंद को आप अपने लाइफ का पर्पोज नहीं बना सकते। बचपन में मुझे गाना बहुत ज्यादा पसंद था, मैं गाना गाता था, दिन भर मैं गाना सुनता था और मैंने सोचा था कि मैं भी एक दिन ऐसा ही मैं खुद का कैसेट बनाऊंगा, ऑडियो कैसेट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। मैंने अपने माइंड में ऐसा बहुत कुछ सोचा था गानों को लेकर, लेकिन धीरे 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 जब मैं बड़ा होता गया तब मुझे खुद पता चला कि इन सब चीजों से, गाने से मेरा पेट भरने वाला नहीं है और मैंने गाना छोड़ दिया। पसंद तो है लेकिन उससे मेरा पेट नहीं भरता। नंबर टू, आप किस काम में माहिर है, कुशल है। जब से मैं कॉलेज जाने लगा तो एक काम में मैं माहिर था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा कर लेता था, होस्टिंग बहुत अच्छा कर लेता था। तो गांव में, अपने एरिया में जितने भी सारे प्रोग्राम्स होते थे मुझे बुला के ले जाते थे होस्टिंग करने के लिए, और मुझे पसंद था, जिसके लिए मैं पैसा बिल्कुल डिमांड नहीं करता और मैं जाकर वहां पर होस्टिंग करके चलाता, मुझे बहुत अच्छा लगता लोग जब तालियां बजाते। लेकिन बाद में धीरे 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 मुझे पता चला कि इन सब चीजों से मेरा पेट चलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने उसको भी बीच में छोड़ दिया और नौकरी मैंने ज्वाइन किया। तीसरा, दुनिया को क्या चाहिए। फिर मैं इंटरनेट पे आकर देखने लगा, मैं नौकरी कर रहा था फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो मैं इंटरनेट पे आके बैठने लगा, बैठते 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 ढूंढने लगा और मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस को मैं देख रहा था, ट्रेनर्स के वीडियोस को मैं देख रहा था। और ऐसा करते करते अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं भी ऐसा ट्रेनिंग देना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे पास तो पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल वो है, मैं खुद नहीं मानता कि मेरे पास है वो स्किल। लाखों हजारों लोग जो मेरे प्रोग्राम्स को देखते थे, प्रोग्राम्स में जाते थे जहां पर मैं होस्टिंग करता था, वो सब मानते थे कि मेरे पास होस्टिंग की स्किल, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है। तो मुझे ये विश्वास था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग की स्किल से मैं कुछ तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। मैं उस स्किल को, उस पब्लिक स्पीकिंग की स्किल को मैं इंटरनेट पे आकर आजमाने लगा, यूट्यूब में मैं आ गया और लोगों को ट्रेनिंग देने लगा। आज मेरे तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स है। दुनिया आपको किस चीज के लिए पे करेगी, यहां पर मुझे मिला कि दुनिया आपको इस चीज के लिए पे करेगी। चार चीज जब आप अपने लाइफ में क्लियर कर लेते हैं तो आप अपने लाइफ का पर्पोज आप ढूंढ लेते हैं, और ये लाइफ का पर्पोज जब आप ढूंढ लेते हैं तब आपको खुशी मिलती है, वो शांति मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। सिर्फ
पैसों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, सिर्फ जुनून से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जुनून से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन आप अपने पेट को और अपने फैमिली के पेट को आप चला नहीं सकते सिर्फ जुनून से। अगर जुनून आपका पैसा कमा के ना दे तो आप जो काम कर रहे हो उस पर अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि आप कोई स्किल आपको पता है, आप जानते हैं और आप किसी कंपनी में वो स्किल देकर आप पैसा कमा रहे हैं, आप आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे ही आपका लाइफ जा रहा है, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको जीने का कारण नहीं मिल रहा, वो लाइफ का पर्पोज आपको नहीं मिल रहा, उद्देश्य नहीं मिल रहा है। तो लाइफ को अगर कंप्लीट बनाना है तो इन चार सवालों को एक जगह पर आपको करना होगा कि आप जो पसंद करते हैं, जो आपको करना पसंद है, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट भी ना करे फिर भी आपको वो करना पसंद है वो। नंबर टू, आप जो जिस काम में माहिर है वो कर रहे हैं, लेकिन आप करते 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 लोगों को वो भी चाहिए, आप जो कर रहे हैं वो चाहिए लोगों को, आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। और चौथा, आपको उससे आपको पेमेंट भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, जिसके आपका परिवार का पेट चल रहा है और आपका पेट चल रहा है, आपकी डेली नीड्स जिससे पूरा हो रहा हो। एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं, एक उदाहरण देकर, मैं लाखों लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक आदमी की बात कर रहा हूं जिनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, बहुत अच्छा लगता है उनकी पर्सनैलिटी देख के, आप सबको भी बखूबी अच्छा लग रहा होगा और लगता भी होगा। इंडिया के नंबर वन मोटिवेशन स्पीकर श्री संदीप महेश्वरी जी, जिनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हूं। देखिए, उनको फोटोग्राफी पसंद है और वो उस काम में माहिर भी है, अच्छे फोटोग्राफर भी है, और वो जो वो फोटो उठाते हैं वो लोगों को भी चाहिए, और चौथा, उन फोटो को बेचकर वो पैसा भी कमा रहे हैं इमेजेस बाजार में। चार चीज उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया और उनको पर्पोज ऑफ लाइफ वो मिल गया। अभी इसलिए उनके पास पैसा बहुत है, खुशी बहुत है, जितना हमको लगता है, उनके अंदर तो हम नहीं गए लेकिन जितना हम देखते हैं उनको पैसे की जरूरत नहीं है, वो अब सिर्फ लोगों को बांट रहे, सेवा कर रहे हैं। इसलिए वो अब उनके जो सेमिनार्स हैं वो एकदम फ्री करते हैं, सिर्फ यूथ को एम्पावर्ड करने के लिए वो अभी काम कर रहे हैं। देखिए, इन चार सवालों को अगर आपको क्लियरिफाई करना है, आपको अगर इकिगाई को अगर आप ढूंढना है तो आपके मन में सवाल आ सकता है, कुछ सवाल आपके मन में आ सकता है, उन सबको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। पहला सवाल, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं और मैं उसको मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा जो जुनून अलग है, मेरा जो ड्रीम अलग है, मेरा उद्देश्य अलग है, मैं किसी और काम में माहिर हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपने फैमिली का और मेरा पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करना पड़ रहा है, मुझे काम करना पड़ रहा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, तो मैं कैसे, मैं अपने उद्देश्य के लिए, अपने इकिगाय को मैं कैसे ढूंढ सकता हूं? यह पहला सवाल आपका हो सकता है। जवाब यह है कि आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, या फिर आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। करना क्या है आपको, आप जो काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे आपका कुछ ना कुछ दिन में समय आपका बच जाता होगा, उस टाइम को आपको इस्तेमाल करना है अपने जुनून में, उस टाइम को आपको इस्तेमाल करना है, आपको क्या करना पसंद है उसमें, अपने उद्देश्य को फाइंड करने में आपको इस्तेमाल करना है। पहला नंबर टू सवाल, मैं कहां से शुरू करूं? देखिए, मैं जब नए यूट्यूब पे आया था तो मेरे पास संसाधन नहीं थे, कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने खरीदा नहीं क्योंकि मैं ट्राई करना चाहता था, क्या मैं जो मेरा जो अंदर जो स्किल है उसको क्या मैं देकर मैं लोगों को अट्रैक्ट कर पाता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक छोटा सा लाइट और एक मोबाइल से ही मैंने शुरू कर दिया, नॉर्मल सा एक मोबाइल से। तो शुरू करते करते आज मेरे पास पूरा सेटअप है। मतलब क्या है, आपके पास जो भी संसाधन है, सोचना नहीं है कि मैं इतना मेरे पास सब कुछ आएगा तो मैं शुरू कर दूंगा, नहीं, आपके पास जो है उसमें से आपको शुरुआत करना है। अगर आप लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आपको जो है, जो भी चीज है अभी, उसी से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तीसरा सवाल ये भी आपके मन में आ सकता है कि ठीक है, मेरे पास जुनून है, मैं उस काम में माहिर हूं, क्या मैं उससे इतना ज्यादा पैसा कमा सकता हूं कि मैं अपने फैमिली और अपने जो नीड्स को मैं पूरा कर सकूं? ऐसा भी सवाल आपके मन में आता होगा, तो उसका आंसर ये है, देखिए, कोशिश शुरू करनी पड़ेगी। आपको अगर दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आपको एक कदम तो निकालना पड़ेगा ना, फर्स्ट स्टेप आपको उठाना चाहिए, शुरुआत, तैयारी आपको करना है, पहला कदम आप उठा के देखिए। जब आप पहला कदम उठाएंगे तो दूसरा कदम उठाने के लिए आपको जगह भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैंने पहले भी बोला था कि आपका जो अभी का जो प्रोफेशन, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें रहकर आप धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं और आपको धीरे 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 पता चल जाएगा कि आप माहिर है कि नहीं। अगर आप नहीं भी है अभी, आपके पास जो जुनून है, जो आप
पसंद करते हैं जो काम, उसको अगर आप करते जाते तो धीरे धीरे करके आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी और आप अच्छा काम करने लग जाएंगे, आप बेहतर बनने लग जाएंगे। एक और सवाल आपके मन में आता होगा, मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त या फिर मेरे जो पत्नी, मेरे पति, वो मुझे करने नहीं देंगे। देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो सोशल मीडिया में स्टार बने, छुप छुप के अपने घर वालों से छुप छुप के काम करते थे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। आपको जरूरी नहीं कि आपके घर वाले रोके तो आप अपने लाइफ को आप उनके हिसाब से जिएंगे। आप अपने हिसाब से जीने के लिए आपको अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना होगा, उसके लिए आपको कदम उठानी पड़ेगी। देखिए, जहां चाह है वहां राह है। क्या बोला मैंने? जहां चाह है वहां राह है। अगर आप चाहते हैं, सच में अगर चाहते हैं तो आपको राह भी मिलेगा। पहले वो चाहत तो चाहिए ना, पहले चाहिए तो सही, चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये चार चीजों का, ये चार सवालों का जवाब आपको मैंने क्लियर कर दिया है। आप अपने इकिगाय को ढूंढिए, आप अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढिए, अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढिए, आप अपने जीवन को जीने का कारण ढूंढिए। देखिए, जानवरों की तरह मत जिए यार, सुबह उठो, खाना खाओ और टट्टी करो और सो जाओ, ऐसा मत करो। लाइफ में आपको कुछ ना कुछ करना है। अपने लाइफ को आपके हिसाब से, आपके ड्रीम्स के हिसाब से जीना शुरू कर दो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल दबाना मत भूलो ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आता जाए। इस वीडियो को अभी सबके साथ शेयर करो व्हाट्सएप और फेसबुक पे, और मेरे साथ रहने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा खुश रहे, हमेशा उन्नति करे, आगे बढ़े, अमीर बने और अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढे। थैंक यू सो मच।